पंजाब के किसान गेहूं खरीद पर बोनस और 10 जून से धान की बुवाई शुरू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य की राजधानी जाने से रोके जाने के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ मोहाली सीमा के निकट धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विरोध को अनुचित और अवांछनीय करार देते हुए किसान यूनियनों से नारेबाजी बंद करने और पंजाब के घटते जल स्तर को रोकने के लिए राज्य सरकार का साथ देने के लिए कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन खोखले नारे घटते जल स्तर पर लगाम लगाने के उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकते। उन्होंने यह भी कहा कि वह एक किसान के बेटे हैं और फसल उत्पादकों की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इससे पहले किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री बुधवार तक प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक नहीं करते हैं तो वे अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करने के लिए चंडीगढ़ की ओर बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IPL। मेरा कड़ा पेटेंट राइट है कोई हवा दा? गुरु नानक साहब दा एक मैं वाक है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, कृपा करके एक साल मेरा साथ दे के देख लो। जे घाटा पै गया मैं सरकार चा, मैं सारे घाटे पूरे कर दूंगा, पर एदा मतलब यह नहीं है कि साडे कोल ट्रालियां तैयार खड़ियां ने जी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद चंगा नहीं लगता। सर BBMB का मैं लिख के दिता होया, मैं लोक सभा च किसानां दे हक सब तो वध बोलदा रहा। मैनू खेती बारे जिन्ना पता है, मैं मिर्चा दियां ओलियां तो लैके मैं पीटर इंजनां दे सिलेंसरां दे मूहरे मच्छरदानियां ला के सौंदा रहा। तो एक मिनट मैनू बोल लैण दो। सो मैनू सारा पता है किथे घाटा पैंदा, किथे मारे जांदे आ, किथे ठगी वजदी है, मैं सारा ठीक करूंगा। एक बार मेरे कहे ते मन के तो देख लैण। इहदा मतलब यह थोड़ी है कि 2 महीने हो गए यार मुर्दाबाद का नारा नहीं लाया, चलो चलिए फिर चंडीगढ़।